सिंध सिटी के रास्ते हरिद्वार से आने वाली झांसी भोपाल के रास्ते लोकमान्य तिलक टर्मिनल को जाने वाली गाड़ी संख्या 02172 हरिद्वार लोकमान्य तिलक टर्मिनल AC स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक नए वीडियो में। अभी मैं हूँ हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे। आप पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, बारिश हो रही है और इस बार मैं जर्नी करने वाला हूँ हरिद्वार LTT AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस से। ट्रेन का नंबर है 0172 जो कि चलती है हरिद्वार से मुंबई के LTT रेलवे स्टेशन तक। तो मैं अभी स्टेशन के अंदर जाता हूँ और स्टेशन का इंटीरियर दिखाता हूँ। ट्रेन आने में अभी 2 घंटा देरी है, बारिश चल रही थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा जल्दी जल्दी पहुंच जाते, क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक बहुत जाम लग जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 घंटा पहले आया हूँ। और रेलवे स्टेशन का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखता है। इस ट्रेन की बात करूँ तो ये ट्रेन चलती है हफ्ते में 2 दिन, ट्यूसडे और फ्राइडे के, यही 2 दिन में ही ये ट्रेन चलती है। और हरिद्वार से लेकर LTT तक की जर्नी 1770 किलोमीटर की जर्नी 29 घंटे 15 मिनट में कवर करती है। हॉल्ट की बात करूँ तो इसके टोटल अब 11 हॉल्ट है और 11 हॉल्ट में कभी 2 मिनट रुकती है, कभी 5 मिनट तक रुकती है। तो अभी मैं इस ट्रेन का इंटीरियर दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मिरर एंड बेसिन एंड डस्टबिन दिया हुआ है और इसके अंदर ऐसा कुछ है मिरर। जैसे कि मैंने अभी तक देखा है इस ट्रेन में मोस्ट ऑफ जो कोचेस है वो LHB के हैं और कुछ जो गिने चुने हैं वो जनशताब्दी के लगाए हुए हैं। जैसे ट्रेन चलेगी मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा। और अभी बजे है 5 बजे और 5:30, मतलब अभी आधा घंटा बाकी है यहाँ से ट्रेन निकलने के लिए। जैसे ट्रेन निकलते मैं आपको इस ट्रेन का डिपार्चर दिखाता हूँ। तो 1 मिनट के डिले के साथ हमारी ट्रेन अभी निकल चुकी है हरिद्वार जंक्शन से। ये रहा इस ट्रेन का पहला हॉल्ट रुड़की जंक्शन। इस ट्रेन स्टेशन का कोड है RK। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और इस पीछे लगी है पुरी योगनगरी ऋषिकेश सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
दो मिनट के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्चर करेगी। अभी कुछ मिनट में हमारी ट्रेन मुजफ्फरनगर स्टेशन को क्रॉस करने वाली है, वो स्टेशन स्किप करने वाली है, तो वो व्यू मैं आपको दिखा दूँगा। सो 80 किलोमीटर की जर्नी कवर कर हमारी ट्रेन पहुंची है उत्तर प्रदेश के मेरठ सिटी जंक्शन पे। यहाँ पे इस ट्रेन का दो मिनट का हॉल्ट है और स्टेशन कोड है MTC। दो मिनट के बाद यहाँ से हमारी ट्रेन डिपार्चर करेगी। अगर आप इस ट्रेन में जर्नी कर रहे हो, खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं और मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगा IRCTC का ट्रेन में जो खाना उपलब्ध है वो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। उसमें एक दाल, सब्जी, राइस और कुछ सलाद वगैरह और एक सब्जी विथ वन स्वीट और चार रोटी है। मैं रिकमेंड करता हूँ, बहुत अच्छा खाना है। अगर आप आ रहे हो 140 रुपीज़ का थाली है और उसमें बहुत सारे अवेलेबल है जिसमें आप खा सकते हो, वेज नॉनवेज। नॉनवेज में सिर्फ आपको मिलेगा अंडा बिरयानी है और वेज में थाली है और वेज बिरयानी, तो इस तरह का कुछ दिखता है। स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो हरिद्वार से LTT जो कि मुंबई में है, तो आप ट्रेन में खाना खा सकते हो। तो फाइनली 10:02 हुए, अभी हमारी ट्रेन दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुकी है और यहाँ पे इस ट्रेन का 20 मिनट का हॉल्ट है और कौन सा डिले हुआ नहीं है, ऑन टाइम ये ट्रेन चल रही है। और इस स्टेशन की बात करूँ तो इस स्टेशन का कोड है NMZ और 20 मिनट के बाद ये ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करेगी।
से मुंबई तक की जर्नी मैंने दूसरी वीडियो में दे दी है, तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल नासिक रोड रेलवे स्टेशन का अराइवल मैं आपको दिखाता हूँ। धमाकेदार मौसम हो रखा है, यहाँ पे बारिश हो चुकी है। और ये रहा नासिक रोड रेलवे स्टेशन, और ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आती है। Thank you.